मीने जी यहाँ पे हैं। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, आप भी डॉक्टर बन गए? इसमें क्या बड़ी बात है, तब से तो यही बेड और शलाके देख रही हूँ मैं। अच्छा, आप तो यहाँ 3.5 घंटे से हैं और हम तो यहीं रहते हैं मैडम, इसलिए हमें मत सिखाइए। इसका मतलब कभी भी कुछ भी बोलोगे? बड़ी हिम्मत है सब में, सबके सब डॉक्टर को ही हिम्मत दिखा रहे हैं। जरा अपनी थोड़ी सी हिम्मत इसे भी दे देते तो बहुत अच्छा रहता। कभी तो सीधी बात बोला कीजिए ना आप। अपनी हिम्मत उसे दे दो, इसे जरूरत है, समझी? वाह डॉक्टर वाह। अब इसकी बारी है, ये दुनिया का सबसे मजबूत इंसान लगता है पर क्या डॉक्टर, क्या अयुब तो वैसे भी बहुत हिम्मत वाला और निडर है। ये तो वक्त ही बताएगा, बहादुर है तो इस सब से निकल जाएगा। मैंने इस बार फिर से कुछ नया इजाद किया है। इस मशीन का नाम है डर का भी बाप। गलियों मोहल्लों में लोग इसे कहते हैं कुत्ता बनके छुप जाना। शायद डरे हुए लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, आखिर कुत्तों को डर का क्या ही पता है। मुझे तो उस मौत के डर की नोक सीधी गर्दन पे महसूस होती है। जिंदगी का ये मजाक सबकी समझ के बाहर है, सच में। सब जो सोचते हैं वही कहते हैं, पता नहीं कैसे मैं जो सोचूंगा वो बोल दूंगा, तो सब मुझे जान नहीं जाएंगे? सब जान जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं जीता हूं क्योंकि मैं एक नकली चेहरा बनाए रखता हूं, और ये मुश्किल कीमत मुझे हर वक्त चुकानी पड़ती है। हे, तुमने बच्चे को मारा, क्या कर रहे हो तुम? मैं बहुत सिंपल हूं, दूसरों को जीतने का हौसला देता हूं। मैं इतना आम इंसान हूं कि सबकी चहेते टीम को सपोर्ट करता हूं, जिसे सब प्यार करें उसे प्यार करता हूं, जिसे सब वोट करें मैं उसे ही वोट करता हूं। मैं हर किसी को वोट करता हूं, हर किसी को पसंद करता हूं, हर किसी की मदद भी करता हूं, किसी का कोई भी फायदा नहीं करता, खुद का भी नहीं। मैं इस दुनिया के 90% लोगों जैसा हूं और मैं बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूं। मुझे पता है कि मैं कभी भी नहीं बदलूंगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। क्या है ये सब? हाँ, क्या बकवास है, क्या है क्या ये सब? तुमने टाइल्स चुराए, तुम्हें समझ में नहीं आता है? बुड्ढे हो तो क्या मार नहीं खाओगे? चुप करो, चीटिंग मत करो, बिल्कुल चुप करो। तुम्हें पता है जिंदगी ऐसे ही आसान है, जिंदा रह पाने का बस यही एक तरीका है, ये सबको पता होना चाहिए। ये बॉक्सेस यहाँ पे क्यों रखे हैं? क्या बकवास है, खाना गिरा हुआ है, पागल हो क्या तुम सब लोग? शर्म करो जरा, कोई गहराई नहीं है, कोई सब्र नहीं, एहसास भी नहीं है। मुझो, काट दो, शेव करो। मजा आ गया। बॉसमैन शाकिर ये तुम्हारे लिए लाया है। जब सब तुम्हें देखे तो उन्हें घूर के देखो, दिन गुजरते जाने दो, ये सब बहुत बोरिंग भी हो जाता है जब हर दिन एक जैसा ही लगने लगता है। एक जैसा नहीं, हर रोज एक ही दिन लगता है, तो समझ में नहीं आता कि आदमी क्या करे। तुम वहां पर जाकर गली के नुक्कड़ पर पहरा देना, और तुम जाकर खिड़की के नीचे खड़े रहना, किसी को भी अंदर मत आने देना, समझे? तैफूर कहीं भी नजर आए तो उसे खूब पीटना, कालीन के जैसे पीटो उसे, तेज मारना, समझे तुम? समझ गए? ठीक है, अभी निकलो यहां से, चलो। मॉम, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बड़े सर वाला बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और करेगा भी क्या वो? हाँ, ये माफिया का आदमी है तो वही उसे ठीक करेगा ना, आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। इसकी गलती है, माफिया से पंगा लेने चला था, अब क्या करेगा? अपना अपना नजरिया है मॉम। रोज एक ही तरह की चीजें एक ही टाइम पे होती है, हम एक ही जगह रुकते हैं, एक ही इंसान से मिलते हैं, वही चीज बोलते हैं, वही जवाब सुनते हैं, सुनकर उसी घर में वापस चले जाते हैं। यहाँ कुछ अलग नहीं हो रहा, पर कम से कम सब महफूज तो है, कुछ नया नहीं है, कोई खतरा नहीं, कोई घटना नहीं, सब कोई एकदम सिंपल है। मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो, क्या खोपड़ी घास चर रही गई है तुम्हारी? हर खेल में बस एक ही चीज कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ में आ रहा है तुम्हें? चुप करो अभी तुम। अरे मेरी बात तो सुनो। मैंने नहीं खेलना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तो।
कल भी ऐसा ही किया था ना। एक ही बात को बोल बोल के मेरी सनक गई है। जाओ बॉक्सेस लेकर आओ। क्या आदमी हो तुम? गलतियाँ जब देखो तभी तुम गलतियाँ कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? मुझो काट दो, शेव करो। हमेशा एक ही जैसा। भाई पोस्टमैन शाकिर ये तुम्हारे लिए देखे गया है। सब चीजें वही हैं, फिर भी हर बार ऐसा चौंकना पड़ता है जैसा कुछ नया हो रहा है। हर सुबह तुम उठते हो जैसे आज ये दुनिया जीने लायक है, बशर्ते तुम्हें कोई गोली लग नहीं रही हो या तुम एकदम ठीक ठाक हो। लेकिन फिर भी, और क्या सुनना है मुझसे? चलो भाड़ में जाओ। वो माफिया का आदमी है, वही इससे निपटेगा। गलती भी इसकी है, माफिया से पंगा लेने चला था। भुगते हो? हाँ, अपना अपना नजरिया है मॉम। मेरे डैड जो 6 साल से लापता हैं, कहते थे दूध गिर जाए तो रोया नहीं करते। मैं फिर भी काफी रोता था क्योंकि सर में गोली लगने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीजों को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूं। मैं शायद वो गोली मेरे दिमाग की सोच को छू के निकल गई और मैं सोचने लगा कि मुझे अपनी जिंदगी एक खत्म होने तक इस बिस्तर में, इसी क्लिनिक में नहीं सोना है। मुझे अपने उसी महफूज और बोरिंग रूटीन पे वापस जाना है, पर पहले उस रूटीन को तोड़ना होगा। शायद मेरा खोया हुआ हिस्सा उस रूटीन को तोड़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। यू भाई, पोस्टमैन शाकिर ही आपके लिए देखे गया है। आप क्या कर रही हैं आजकल? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। मेरा इंतजार कर रही हैं आप कि कब तुम मुझसे बात करोगे? लेकिन किस बारे में? तुम्हें क्या लगता है मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ तुमसे? हर रोज एक ही वक्त यहाँ से गुजरते वक्त तुम्हारी आंखों में देखती हूँ मैं। तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? हाँ? शायद मैं जानता हूं पर मुझे नहीं पता। समझ जाओ, तुम समझ जाओ और जो सही है वो करो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगा, लेकिन अब क्या करूं मैं? तो तुम्हारे दोस्त को किसी से प्यार हो गया है ना अय्यूब? हाँ अंकल वासिफ, वो प्यार में है पर वो लड़की से बात नहीं कर पा रहा है। वो खुद उसके पास आई फिर भी बात नहीं कर पा रहा है वो। तो क्या करना चाहिए उस लड़के को? फट्टू नंबर वन। आप उस लड़की को फट्टू बुला रहे हैं अंकल वासिफ? लड़की को नहीं, तुम्हारे उस डरपोक दोस्त को बोला। लड़की खुद आके बोल रही है और उस उल्लू के पट्टे को तो जरा भी अक्ल है ही नहीं। डरपोक है वो, उल्लू का पट्टा है। मत बोलिए ना, फैमिली को बीच में क्यों लाना है आपको? समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, उसकी भी फैमिली से बाप मिसिंग है क्या? इससे हमें क्या लेना देना है अंकल वासिफ? अब भूल जाइए, छोड़ो, जाने दीजिए उसे। उसकी मदद करते है ना पहले। आपके पास कोई आइडिया है क्या? पहले बताइए आखिर उसे क्या करना चाहिए इस बारे में। सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ, तुम्हें पता नहीं लड़कियों को पसंद है सरप्राइजेस।
अपने दिल की बात उसे कह दो और सरप्राइजेस दे दो उसे, यानी उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मतलब तुम्हारा दोस्त उससे कितना प्यार करता है, तुम उससे कितना प्यार करते हो, अगर उसे ये बता दो तो शायद तुमसे पट जाए। इस पेड़ को रेमजी के कब्र पर ले जाना है हा? और रेमजी के दुकान से रस्सी चुरा कर लेकर आओ तुम सब, गार्डन से फूल तोड़कर लाओ और मुझे कुछ बोलना ना पड़े तुम लोगों को, फिर उन फूलों को रस्सी पर लगाकर पेड़ से लटकाओ, हम अपना खुद का फूलों का पेड़ बनाने वाले हैं, क्या तुम लोग समझ गए? हाँ नहीं, बरसों का रूटीन तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, हम सब अपनी ही आदतों के गुलाम हैं और पुरानी आदतें ही नई जिंदगी की दुश्मन होती हैं। हम किसी बदलाव को बाहें फैलाकर नहीं अपनाते बल्कि डर डर के कदम रखते हैं, क्योंकि बदलाव से हमें डर लगता है और ये हर किसी के साथ में होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारे क्रांतिकारी आविष्कारक और कलाकार लोग कुछ नया खोजते और वो कुछ बड़ा करते। इस दुनिया में हर बदलाव लाने वाले को एक कीमत चुकानी पड़ती है, अब मेरी बारी है वो कीमत चुकाने की। तो मैं नहीं कहता कि मैं क्रांतिकारी हूँ, पर हाँ बदलाव तो लाने जा रहा हूँ मैं, ये बदलाव जो मुझे बहा ले जाएगा, मेरे ही वक्त के दायरे को तोड़ना शायद मुझे ही तोड़ जाएगा। कैसा लगता है जब तुम जिंदगी के एक ही हिस्से में फंसे हुए रह जाते हो, क्या ऐसा भी होना किस्मत में लिखा है? क्या बकवास है, हमने इस पर कोई नाम नहीं लिखा, इससे ऐसी जगह रख दूंगा जहाँ तुम्हें सिक्का नाम मिल जाए। अच्छा नाम है ना? अब तक बात कर रहे हो तुम, किसकी हुई है क्या तुम्हारी? वाह बहुत प्यार है। एक्सक्यूज मी, ये तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो इसके पीछे जो भी मकसद था वो पूरा हो गया है ना? सच में तुम्हें ये अच्छा लगा? सच में? तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुमने ये सब मेरे लिए किया ना, इतनी कोशिश की इसको बेस्ट बनाने की, यही मेरे लिए काफी है। अभी एकदम कड़क है ना? मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा अपना मुंह बंद करने के लिए, हमेशा बकवास करते रहते हो। एयूब, एयूब, उसे जाने दो, छोड़ दो उसे, एयूब। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्या हो रहा है ये सब? हम कहाँ हैं? क्या बकवास है ये? और तुम लोग कौन हो? बताते क्यों नहीं तुम मुझे? तुम लोग कौन हो और बताओ मुझे कि ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? बकवास तुम्हारी किस्मत है, गाड़ी साफ कर ले, जमीन का टाइटल कहाँ है? कौन सा टाइटल? घर और फुटबॉल मैदान। मुझे क्या पता उसके बारे में? गाड़ी वाले बच्चे, स्टॉर्म नेकमी ने हमें सब बता दिया, उसने बता दिया कि तुम्हें सब पता है। स्टॉर्म नेकमी कौन है? मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। गाड़ी वाले बच्चे, हम दोनों उसे अच्छे से जानते हैं। मुझे जमीन के टाइटल के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? गाड़ी वाले बच्चे, टाइटल बोर्ड कहाँ है? मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। किस्मत, अब किस्मत की बारी है। क्या हो रहा है ये? क्या बकवास है ये सब? कुछ तो बोलो मुझे, क्या बकवास है ये? बोलो मुझे कुछ। मुझे तो उस मौत के डर की नोक सीधी गर्दन पे महसूस होती है। जिंदगी का ये मजाक अब सबकी समझ के सच में बाहर है, समझ में ही नहीं आता। सब जो सोचते हैं वही कहते हैं, पता नहीं कैसे।
मैं जो सोचूंगा वो बोल दूंगा तो सब मुझे जान नहीं जाएंगे? सब जान जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं एक नकली चेहरा बनाए रखता हूँ और ये मुश्किल कीमत मुझे हर वक्त चुकानी पड़ती है। दाढ़ी कटवा लो युप, अब बताओगे टाइटल बोर्ड कहाँ छुपाया है या नहीं बताओगे? मैं तुम्हें कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। नहीं 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 नहीं, क्या तुमने उसे शूट कर दिया? ये सब क्या हो रहा है? दाढ़ी वाले बच्चे, बाकियों की जिंदगी सिर्फ 6 घंटे की मोहताज है। अब जाओ और जाकर टाइटल लेकर आओ। तुमने ही उसे कहीं छिपाया है। स्टॉर्म नेकमी ने मुझे सब बताया है। ये आखिर चोर स्टॉर्म नेकमी है कौन? क्या ये? देखो तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम समझे कैसे नहीं। चुपचाप मेरी मदद करो, इसमें भी परेशानी है तुम लोगों को। नहीं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, पर अजीब बात है। लेकिन इसमें अजीब क्या है? तुम एक पोस्ट ऑफिस पे डाका डालना चाहते हो? हाँ, हम पोस्ट ऑफिस को लूटेंगे। और हम ये सब करें किसी स्टॉक नेजमी का एक खत ढूंढने के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास उसका खत आया था और तुमने लौटा दिया। हाँ, पर इस बात का जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि कल वाला लेटर आज वापस कैसे आ गया। रोज एक ही लेटर आता है बार बार। ओ अच्छा, रोज एक ही तो चीज होती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? हाँ। क्या मतलब है हाँ? मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे, बताओ मुझे। हाँ। हाँ? तैफूर। तैफूर। मेरे भाई, इसकी तो खिसक गई है, हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। हम कर क्या सकते हैं, कोई चारा भी तो नहीं है भाई। पूरा मोहल्ला हम पे थू थू करेगा। वो तो हमेशा ही करता है यार। कम से कम साले को पटा तो लूं, हो सकता है मेलिस से खुल के मिलने का मौका मिल जाए। देखो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, समझे तुम? क्योंकि ये लेटर स्टॉर्म नेस्मी से आया था। हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, पूरे मोहल्ले के लिए जरूरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि स्टॉर्म नेकमी मेरा बाप है। ओ, क्या? ओ तेरी। जमान संभाल के बात करो। I'm sorry, इसका मतलब जो बुजुर्ग लोग खोए हुए हैं वो खोए हुए नहीं है, यहीं पर हैं। हाँ, वो खोए भी हैं और नहीं भी खोए हैं, यही तो कंफ्यूजन है। हाँ मैं समझा, वैसे तो वो खोए हुए हैं पर पोस्ट ऑफिस आके वो चिट्ठियाँ तो लिख ही सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। राइट, तुमने गुस्से में आकर अपने बाप के लेटर्स फाड़ दिए। चुप बैठो, 4 घंटे बचे हैं, मेरे आखिरी बचे दोस्त को भी वो मार देंगे। आप मास्क लगाओ और चलो जल्दी, चलो ठीक है भाई, चलो चलो अंदर चलो। पहले तुम चलो। चलो देखो, हर जगह ढूंढो, हर जगह ढूंढो, नाम है स्टॉर्म नेकमी, समझे? स्टॉर्म नेकमी। शाबाश, क्या बात है? अब ये मिल ही गया है तो मेरी और मेलिस की शादी हो सकती है। भागो, ये पुलिस कहां से आ गई? चलो चलो चलो, चेहरा ढको, चलो चलो चलो, निकलो यहां से। रुक जाओ, गोली चला दूंगा। सर प्लीज, बहुत हो गया, और कितना थकाएंगे। मिस नरीमन, क्या अभी? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, देखिए मुझे शर्म आ रही है।
हे भगवान मदद करिए, मैं कहां फंस गया। प्लीज सर, सपने में इतना चलना अच्छा नहीं है। वापस घर चलिए, अपने बेड पर लेट जाइए और सो जाइए। मुझे शूट करके खोलने दो। अरे अरे अरे, जल्दी क्या कर रहे हो, पड़ोसी जाग जाएंगे आराम से। हाँ मुझे क्या लेने देना, दरवाजा खुलना चाहिए बस, और क्या। नहीं हो सकता, मैं आराम से ही करूंगा, समझे। अरे उसे छोड़ो और जल्दी से खिड़कियां चेक करो। ठीक है, चुप बैठो। जूते की अलमारी देखो, चाबी वहीं होगी। कोई चाबी नहीं है क्या, मैं आ रहा हूं। कम ऑन, अंदर आ जाओ। मिस्टर असीम, असीम भाई से बात है। सिट, प्लीज मुझे बताओ हम कहां हैं। अरे असीम भाई, एहसान को गोली लगी है, गोली। शिवाती सब तैयार है ना। जी सर, इसे पकड़ो भाई। अरे बाप रे, अपना ख्याल रखना है सर। हाँ जी जरूर। एक उम्र के बाद आप गलती नहीं कर सकते, वो तो बेवकूफी ही कहलाएगी। पर मैंने गलती की, मुझे लगा चाहे गुंडों को दोस्त और चमचे बनाकर मैं ऊपर तो उठ गया। मुझे लगा हर किसी के खोए हिस्से ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा खोया हिस्सा तो कुछ और ही था, मेरा परिवार, क्योंकि वो हिस्सा तो मरने के बाद भी अलग नहीं होता है। सारा पैसा तो उस दुनिया में है जो असली है। मुझे ये दुनिया छोड़ के अपने स्वर्ग में जाना है, मुझे उस खोए हिस्से की तरफ जाना है, पर मैं नहीं जा सकता। अब तुम पूछोगे भला क्यों वापस नहीं आ सकते। नहीं, क्योंकि मैंने एक दाव लगाया है। कुछ समय के बाद मैं इतना हारा और जब पैसे चले गए तो मुझे घर और मैदान को गिरवी रखकर अपनी जान बचानी पड़ी। शायद यही मेरे बाप की आखिरी इच्छा हो कि मेरे पहले बच्चे, मेरे पहले बेटे, वापिस लौटना है तो तकदीर के आगे हथियार डाल दो, मुश्किलें खुद आसान हो जाएंगी। एक जमीन का टुकड़ा है जो हम इन्हें दे सकते हैं। लतीफ का पीछा करो, वो तुम्हें उस जमीन के पास ले जाएगा। मेरी बात मानो, वो तुम्हें उसके पास ले जाएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अय्यूब, जैसा हमने कहा था, हमें बस लेन देन से मतलब है। जब तुम्हारा टाइम खत्म, तुम भी खत्म। तो बेहतर होगा, हमें जो चाहिए तुम हमें दे दो। देखो ये आखिरी बचा है, इसके बाद तुम्हारी बारी है। खुद को बचा लो, और याद रखना, तुम जब मर जाओगे ना, तुम्हारे परिवार को मैं आराम से मारूंगा। लतीफ का पीछा करो। ताइफूर, ताइफूर, ताइफूर! क्या हुआ, क्या? ताइफूर, ताइफूर, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा था। ताइफूर, तुमने लतीफ को कहाँ देखा, बताओ मुझे। अरे भाई, अब ये लतीफ कौन है? एहसान को गोली लगी है, हम किसी तरह बच के आए हैं, और तुम अब सडनली लतीफ की बात कहाँ से कर रहे हो? मैं नहीं ढूंढने वाला किसी लतीफ को। प्लीज मेरी मदद करो ताइफूर, मेरे भाई, प्लीज मेरी मदद करो। क्या तुमने मुझे अभी अभी भाई कहा? कहीं तुम्हारे सर पे चोट तो नहीं लगी है? मैंने हमेशा से तुम्हें मेरा भाई समझा है, तुम और मेलिस मेरे परिवार हो। मैं ढूंढूंगा उसे, मैं तुम्हें लतीफ के पास ले जाऊंगा, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। चलो, तुम अपना दिल छोटा मत करो, उठ जाओ, उठ जाओ। वो यहीं पर था। तैफूर, क्या यहां पर आओ? अरे पर ये, मैंने कहा यहां आओ। हाँ सुनो मेरी बात, मैंने कई बार तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें बहुत मारा है मैंने, तकलीफ दी, पर विश्वास दिलाओ कि अगर मुझे कहीं कुछ हो जाए तो क्या तुम मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखोगे? हाँ अय्यूब भाई, आप ये सब क्या कह रहे हो? रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो।
कहीं कुछ मुझे हो जाए तो क्या मेरी माँ और मेरी बहन का तुम ख्याल रखोगे? हाँ, पर भाई मुंह बंद करो भाई भाई भाई। हाँ, क्या बोल रहे हो? निकलो यहां से, चलो निकलो। चलो अंदर, चलो डैड, चुप करो, चुपचाप अंदर चलो, समझे? ओस्मान अंकल, इतना भारी टोकरा क्यों उठाए हुए हैं आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे। टोकरे के बिना तो तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तुम्हें लगा मैं तुम्हारा बाप हूँ? मुझे पता है तुम उसे भी याद नहीं करते। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, वो मेरे साथियों को मार रहे हैं और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और मेरे डैड कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, उसने कहा था कि तुम मिलो तो तुम्हें ये दे दूं। इसे पढ़ो और अपने डैड को बचा लो, ताकि बाकी बुजुर्गों को भी बचाया जा सके। तुम ही अब आखिरी उम्मीद हो बेटा। मुझे पता है तुम शायद मुझे माफ नहीं कर सकोगे बेटा, पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो सब बच जाएंगे। मैं कभी तुमसे ये नहीं कह पाया मेरे बच्चे, पर मेरा यकीन करो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मेरी गलती सुधारने दो। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो, इसका मतलब है ज्यादा वक्त नहीं है। वासिफ के पास जाओ, मेरे घर जमीन सब के टाइटल कागजात वो सब ले लेना, क्योंकि वो सब मैंने तुम्हारे नाम किया है। सब बेच देना और अपनी बहन और अपनी माँ को लेकर कहीं चले जाना, कहीं बहुत दूर, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ढूंढ लें। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो बहुत देर हो जाएगी। आखिर मैं अपने डैड का ही बेटा निकला, वो हर खतरे और जिम्मेदारी से भागते रहे। इस मोड़ पर आके हम दोनों ने ही भागना तय किया। मुझे याद है कि मैं आपसे काफी डरता था और खुल के आपसे बात नहीं करता था, जैसा मुझे बनना चाहिए था। उसके आगे मेरा अपना वजूद ही छोटा हो गया। तो जिस तरह से आपने अपने बेटे को मजबूत बनाया, वो तरीका मुझे और जिद्दी और रूखा बनाता गया, और उतना ही गुस्सा आता गया मुझे। मेरी माँ ने मुझे प्यार, नरम दिली, तहजीब, अपनापन और मासूमियत की सीख सिखाई है। फिर उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं डर गया कि आप क्या सोचेंगे। मुझे लगा नरम दिल होकर जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं कुछ भी नहीं था, तो मुझे चीज अलग तरीके से हासिल करनी पड़ी, वो जो मैं डिजर्व करता था। और जो नहीं डिजर्व करता था वो भी हासिल करने की मैंने बहुत कोशिश की। और ये सारी बातें बोझ बनकर मेरी आत्मा पर वो सब बढ़ती रहीं। पर अब मुझे सब ठीक करना होगा। ये आपकी गलती है डैड, मैं भी तो जैसा भी हूं वो आपकी ही गलती है डैड। क्या हो गया बेटा, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ बेटा? आप ही मुझे सब कुछ बताइए अंकल वासिफ। क्या बताऊं बेटा, मुझे सब कुछ बताइए अंकल वासिफ, चाहे बुजुर्ग और उनकी लॉटरी, सब कुछ जानना चाहता हूं मैं। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए। अय्यूब, देखो बेटा, तुम मुझे बतवा तो मत दो। आखिरकार बस बहुत हुआ। कई साल पहले 6 बुजुर्ग इस मैदान में से गायब हो गए थे। तुम्हारे डैड तो एक फरिश्ता थे, एक सच्चे नेता थे वो। तुम्हारे पिता ने सब ऑर्गेनाइज भी किया और बुजुर्गों की लॉटरी की भी तैयारी उन्होंने की थी, शौक था उन्हें। ये सारे बुजुर्ग आपस में लॉटरी खेलते थे, वो उसे बुजुर्ग लॉटरी कहते थे। ये 6 के 6 बुजुर्ग
हर हफ्ते एक एक नंबर चुनते थे और फिर उन्हीं नंबर्स पे दांव लगाते थे। 6 साल पहले की बात है ये। एक दिन चमत्कार हुआ और तुम्हारे डैड ने लॉटरी का जैकपॉट जीत लिया। वो सारे बुजुर्ग खुशी के मारे पागल हो गए। लॉटरी की रकम थी पूरे 6 करोड़ रुपए। फिर तुम्हारे डैड ने सबको ये बात बता दी। उन्हें लगा कि हम ये रकम जीतकर इस चोरों की बस्ती में रह नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें वहां से गायब होना पड़ा। वो चले गए वहां से, बहुत दूर चले गए। जैसा कि तुमने देखा, वो सिर्फ धूल छोड़ गए, सिर्फ धुआं छोड़ गए, जैसे उड़ गए हो, भाग गए और फिर कहीं खो गए। और उसके बाद मैंने चारों तरफ ये खबर फैला दी और सब जानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से झूठ नहीं कहता हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर वो आपको क्यों नहीं ले गए अंकल वासिफ? वो लॉटरी सिर्फ बुजुर्गों के बीच में थी, यानी फैमिली वालों ने खेली, और मेरी तो कभी भी फैमिली नहीं थी, इसीलिए मैं कभी भी उस लॉटरी का हिस्सा रहा ही नहीं। अगर उस तरह की गोली कभी मेरे सिर पे लगी होती तो शायद मैं भी एक परिवार का मुखिया बनने की कोशिश करता। क्या मेरे डैड हमें पैसे के लिए छोड़ सकते हैं? मैं कैसे मान लूं कि वो कितने खुदगर्ज थे? नहीं, वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत ही तरीके लगाए उन्होंने जिंदगी में। शायद वो सब निपटा के तुम लोगों के पास एक दिन आ जाते। अब ध्यान से सोचो तो सारे बुजुर्गों ने उन्हें तुमसे छीन लिया, पर किस्मत तुम्हारी है। वो जितने भी बुजुर्ग थे उनको लॉटरी के 6 नंबर की तरह साथ में रहना था। अगर वो अलग हो जाते तो सारे फुस। एक दिन वो सारे के सारे बुजुर्ग अलग हो गए और अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। फिर सबने सब कुछ किस्मत के हाथों छोड़ दिया, अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर दिया। जब किस्मत ने देखा कि उन सब की दोस्ती किस्मत से भी जीत रही है, तो उसने उनकी दोस्ती ही खत्म करवा दी। पहले सबने लतीफ को पकड़ लिया, उसको एक गटर के अंदर सालों तक बंद रखा, फिर बेचारा उस्मान। जैसे जैसे ग्रुप टूटा, सब खोते चले गए। तुमने तो देखा ही होगा, मजबूत पत्ते जीत जाते हैं। तुम्हारे डैड सबसे आखिरी थे और सब उनके ही कर्जदार थे। वो जिस किसी बाजी में भी हाथ लगाते थे, वो बाजी सिर्फ उन्हीं की होती थी। जैसा कि तुम्हारे डैड ने खत में लिखा था, उन्हें 6 नंबर्स के साथ 6 लोग मिल गए तो जैसे खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो उन्हें। उनको लगा चिंता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आपने बताया कि वो खो गए। मैं हैरान था अंकल वासिफ, सब हैरान थे, मेरी माँ बहुत रोई थी, आपको पता है क्या? उन्होंने तुम्हारे डैड को ही किडनैप किया। वो किडनैप हो गए हैं, मतलब क्या है अंकल वासिफ? देखो, मुश्किल वक्त है, जब तक तुम्हारे डैड नहीं मिल जाते, तुम ही फैमिली के हेड हो, समझे? समय अच्छा नहीं है और किस्मत भी साथ नहीं दे रही, तो ध्यान रखना कहीं तुम्हारी बहन ना किडनैप हो जाए। मेरी बहन को कोई ले नहीं जा सकता, जो भी कोशिश करेगा मैं उसे सामना करूंगा। क्या वो भी एक झूठ था? आपने मुझे मेरी फैमिली का चौकीदार बना दिया, और वो भी बिना किसी वजह के। अंकल वासिफ, वो बिल्कुल झूठ नहीं था। तुम्हारे डैड आसपास नहीं थे और सबकी हिफाजत सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी थी। पर अब क्या होने वाला है? ये कौन सी जगह है? हाँ, ये जगह स्टॉर्म नेजमी का मकबरा है। ये लेटर जो है, यही तो हमें यहाँ तक लेकर आया है अंकल वासिफ। हाँ बेशक, इन्हें तुम अपने पास रखो और ये समझो कि तुम अपने डैड के बहुत करीब हो।
अंकल वासिफ, आप मेरे डैड के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो घर आ जाए। अंकल वासिफ, अब जो भी होगा मैं उसे किस्मत और कायनात पे छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अपने दोस्त को बचाने का कोई तरीका मैं ढूंढ लूंगा, ठीक है? हाँ नहीं, उसे यहाँ नहीं ला सकता। जब वो यहाँ पे है ही नहीं तो कहाँ से लाऊंगा? वो आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने दोस्त को बचाना है। अगर मैंने कुछ नहीं किया और मैं वैसे ही घर चला गया और वो वहां तक नहीं पहुंचा तो मुझे जेल में डाल देंगे। उनके पास कोई चारा नहीं है, वरना वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। 6 बुजुर्ग लॉटरी जीत गए, 6 करोड़ जीत गए और जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई। मैं इस मनुष्यत में अभी नहीं रहूंगा। मैं नहीं कहता कि जिंदगी बहुत खूबसूरत हो, मैं नहीं कहता कि सब जगह सुकून हो, मैं शांति या खुशी का भी वादा नहीं करता, पर हम उनके आने की उम्मीद से तो आजाद रह सकते हैं। हमें बस उनका इंतजार अब नहीं करना। मेलिस कब से अपने खुदगर्ज बाप का इंतजार करती है। मेरी माँ ने तो टीवी को ही अपनी दुनिया बना ली है। वो क्या मेरी माँ का जीवन का सोनापन कभी भर पाएंगे? मैं किस्मत और कायनात का हाथ का खिलौना नहीं हूँ। मैं किसी इत्तेफाक की वजह से दुनिया में नहीं आया हूँ। जैसे मैंने अपनी फर्जी रूटीन को खत्म कर दिया है, वैसे ही मैं उसको भी खत्म कर दूंगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर जो मेरा वजूद बचेगा वो उन सब गुजरे हुए फिजूल सालों को पीछे छोड़कर वैसे जाएगा जैसे वो चाहता है। ये सब शायद दिमाग में लगी हुई गोलियों का ही असर है, ऐसे मुझे लगता है। वक्त हो गया है। मैं डरता नहीं हूँ तुम लोगों से। तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं यहाँ पर रूल सेट करूंगा और यहाँ पे मरने वाला मैं नहीं हूँ, तुम लोग होंगे। समझे मेरी बात? तुम एक छोटी सी गोली जिंदगी बदल कर रख देती है। दरअसल मैं हमेशा सोचता था कि सब लोग मुझे असली गेम से बाहर रखते हैं। दरअसल गेम ही एक झूठा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे मेरा खोया हिस्सा मालूम है। मुझे खुद के जैसा बनना है। मुझे इन खोए हुए बुजुर्गों के साए से और उनके आने की उम्मीद से आजाद रहना है। मुझे वो लोग चाहिए जो मुझसे भी प्यारे हैं। इसके लिए खुद का रूटीन तोड़ना पड़ेगा, खुद को तोड़ना पड़ेगा। एक ही जैसे गुजरते वक्त को जीना क्या होता है? कैसे बोलूं मैं? क्या ऐसे ही जीना मेरी किस्मत में है? क्या मैंने किस्मत बोला? ये भी शायद दिमाग की गोली का असर है। शायद मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूँ क्योंकि मुझे आस्था पे विश्वास नहीं है। मैं तो बदले में और आगे बढ़कर युद्ध करने में यकीन रखता हूँ। मेरे सामने था। इसे कहते हैं समझदारी, जिसे तुम खुफिया तरीके से छिपी हुई जगहों पे तलाश कर रहे थे, वो देखो सामने है। वाह, क्या फिलॉसफी है निकाटी। हम सबको बचा लिया।
ये तुमने क्या किया? तुम्हारे डैड की क्या गलती थी? हमें कभी प्यार नहीं किया, इन्होंने हमें कभी प्यार नहीं किया। किस्मत और कायनात, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है किडनैपिंग और मिस्टर निकाती के खून के जुर्म में, और आपको गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने धोखाधड़ी की है और साथ ही साथ पैसों की हेरा फेरी भी। बाप और बेटे की इस जंग को मैंने शुरू नहीं किया था क्योंकि मैंने बाप जैसे झूठ में कभी यकीन ही नहीं किया। मैं खुद ही एक बेल की तरह इस झूठ के पेड़ के साथ लिपटा हुआ था क्योंकि यही मेरी वजूद की जरूरत थी। अगर पेड़ नहीं होता तो बेल किसका सहारा लेती? वो टूटे पत्तों मारी हुई शाख के साथ ढह जाती। जब मेरे डैड गायब हुए थे तो मुझे उनकी जगह लेनी पड़ी। मैंने उनके झूठे वजूद को एक बड़ा सा पेड़ का ताना बना दिया और उससे मैं लिपटा रहा। पर आज मैं मानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से जंग कर रहे थे। जंग दो तरह की होती है, एक पूरी सेना के साथ मिलकर लड़ो या सिर्फ राजाओं की आपसी जंग होती है। हर कोई अपनी जंग लड़ता है, खुद ही हार जाता है और खुद ही जीत से सांस भरता है। और फिर कोई जंग ऐसी भी होती है जो हमें कीड़े मकोड़ों से भी लड़नी पड़ती है, जो बस हमारा खून चूसने के लिए आ जाते हैं। मुझे पता नहीं है मेरे और डैड में क्या था, पर मैं बिना किसी जिम्मेदारी के बोझ या डर से सुकून से जीना चाहता था। पर उन्होंने वो सब मुझसे ले लिया और खुद का बोझ मुझ पर डाल दिया। मैं ये जानता हूँ, दुनिया का नक्शा मेरी आंखों के सामने बिछा हुआ है और मेरे डैड उस पे लेटे हुए हैं। उनको खोज निकालने का मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन अब जिम्मेदारी शुरू होती है। मेरे डैड का साया इस गुफा के बाहर तक फैला हुआ है। अगर उसकी खुद की दुनिया है तो मेरा सिर्फ यही घर है। अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैंने गुल का हाथ पकड़ा हुआ है, उससे प्यार करता हूँ और कहीं दूर चला जाऊंगा मैं उसके साथ। इस दुनिया के नजारे देखूंगा। मेलिस और माँ को एक नई जिंदगी दूंगा मैं। अरे अरे अरे, तुम कागजात क्यों चुरा रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं चुरा रहा। चुप करो। नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। मैं तुम्हारे लिए किसी को नहीं पीटूंगा। यू भाई, भागो 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 भागो, पीछे मत देखना, भागो, चलो।